वो देखो नैनीताल से आ गई है बारिश। सामने नैनीताल से बारिश आ रही है, वो दिख रहा, देखो वहां पहुंच गई है। पहाड़ियां देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, हरी भरी पहाड़ियां, और ऊपर देखो कैसे घने घने बादल, और सारी छतें आजकल देखो कैसी लाल पीली हरी हो रखी है। और आज सुबह से बहुत अच्छी धूप थी और अभी ऐसा हो गया है मौसम। और इधर साइड की बात करो तो ये देखिए बरेली साइड को ऐसा हो रहा है मौसम। और ये है नीचे प्लेन साइड और ये है पहाड़ साइड। तो इधर से पहाड़ शुरू हो जाता है और इधर से प्लेन शुरू हो जाता है, प्लेन्स एरिया। तो ये है प्लेन्स और इधर है पहाड़ और हम हैं बीच में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन से, और खाना खा लिया है हमने। खाना खाने के बाद अचानक से मौसम हो गया खराब, तो मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे सुबह छत में, उनको लेने के लिए आई थी मैं। और इतना मजा आ रहा ना छत में, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखो वहां से बारिश आने वाली है, बस पहुंचने वाली है नैनीताल से बारिश हल्द्वानी में। पहाड़ साइड को ऐसा मौसम है, बादल भी गरज रहे हैं और धूप भी आ रही है, सब मिक्स हो रखा है। तो अभी हम आए हैं छत में खाना खा के, जस्ट अभी खाया है, खा के बारिश का मौसम हो गया था तो खिड़की से मेरा वो नैनीताल वाला व्यू दिखता है। तो मैं फटाफट से छत में आ गई कि बारिश आ रही है नैनीताल से, आ गई है इधर को। तो मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए, और परसों मैंने छत भी पूरी साफ करी हुई थी, कितनी क्लीन दिख रही है छत मेरी, देखो साफ करी हुई थी, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा पूरी छत मेरी साफ हो रखी है, और वो मेरे पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और ये मैंने फुट मैट यहाँ पे डाल दिया है, कपड़ों की तह में लगाऊंगी बाद में, अभी हम करेंगे रेस्ट दिन का। तो यहाँ पर हम रेस्ट करने के लिए आ गए हैं, और टीवी सामने चली है, बेटी मेरी पता नहीं क्या खा रही है, बेटा कंबल लेके आ गया है क्योंकि ये एसी के बिना नहीं सोएगा, इसको एसी चाहिए। तो दोस्तों अभी हो गया है इवनिंग टाइम, और यहाँ पर रैली वाले आए हुए हैं, बीजेपी के नहीं है ये हैं कांग्रेस वाले। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने घर के बालकनी में, और यहाँ पर आज कांग्रेस वालों की रैली चली हुई है। इधर वाली गली में कांग्रेस वालों की रैली हुई है, और पीछे वाली गली में बीजेपी वालों की रैली हो रही है। तो मैं अभी सोई हुई थी, सो के उठ के आई रही हूँ, तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इधर गली में हो रही है बीजेपी वालों की रैली, और इधर गली में कांग्रेस वालों की रैली, तो अभी बहुत आगे चले गए वो लोग। तो अभी मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, आप बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों रैली वाले तो चले गए हैं, ये सब औरतें जा रही हैं, और अब मैं भी निकलती हूँ सब्जी लेने के लिए। और मैं आ गई हूँ अपने नीचे रोड में, और गाड़ी में निकाल रही हूँ बाहर, और मेरे सामने से एक क्यूट सा बेबी, देखो कितना सुंदर सा, ये मेरे रास्ते को रोक रहा है, और अभी मैंने इसको हॉर्न दिया और ये डर के मारे भाग गया। अभी मैं पहुँच गई हूँ सब्जी मंडी, मंडी नहीं कहूँगी, मतलब एक छोटी सी मार्केट यहाँ पर लगती है सब्जी की, और मैं डेली जब भी सब्जी लेने आती हूँ तो मैं यहीं पर आती हूँ। शाम के वक्त यहाँ पे बहुत सारी शॉप लगती हैं, और सही रेट में यहाँ पे सब्जियाँ मिल जाती हैं, और सारी सब्जियाँ जो है हमको यहाँ पे मिल जाती हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, जो भी हमको लेना हो तो सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ सब्जी लेने के लिए। तो दोस्तों ये लेडीज़ मुझसे पूछ रही थी कि आप वीडियो क्यों शूट कर रही हैं और क्या कर रही हैं आप, तो मैंने इनसे बोला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और ये लेडीज़ हमारे यहाँ की जो सबसे फेमस दुकान है फ़ोन की, जहाँ से हम सभी लोग फ़ोन लेते हैं, उनकी वाइफ हैं, और ये दुकान में भी बैठती हैं, तो ये मुझे पहचान गई शायद, तो मेरे से इसलिए पूछ रही थी, तो मैंने बोला मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ समोसे की शॉप पर, और यहाँ से मैं डेली समोसे ले आती हूँ, और ये भैया भी मुझे अच्छे से पहचानते हैं, और
दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूं घर सब्जी लेके, और सब्जियों में मैं आज बहुत सारी सब्जियां लेके आई हूं। इतनी सब्जियां ये हैं, गोभी भी लाई हूं, तोरी भी लाई हूं, बच्चों के लिए समोसे भी लेके आई हूं, दूध भी मैं आज अभी लेके आई हूं, और एक बैग सब्जियों का मेरा ये भरा पड़ा है। तो इसमें मेरी बहुत सारी सब्जियाँ हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बाल भी मेरे ऐसे हो गए देखो पूरे खुल के। और मैं जाती हूँ ना तो मुंह धो के भी नहीं जाती हूँ, ऐसे ही चले जाती हूँ, और क्योंकि मुंह आजकल बंद रहता है पता नहीं चलता है मुंह धुला है या नहीं है करके, तो ऐसे ही हो रहा है मेरा मुंह अभी, आप मजाक मत बनाना। तो ये सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ, अभी खोली नहीं है, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं और सभी कुछ है, मतलब एक हफ्ते की मैं पूरी छुट्टी करके लेके आ गई हूँ, आज बहुत सारी सब्जियाँ लेके। तो दोस्तों अब बनाती हूँ चाय और समोसे, खाते हैं चाय के साथ, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 6 बज गया है, मैं 5 बजे यहाँ से गई थी, 6 कम से कम 6:30 करीबन हो गया है, मैंने देखा नहीं लेकिन अंधेरा बहुत हो गया है बाहर, 6:30 तो हो ही गया होगा। और 5 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी, और काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पर, तो सब्जी लेने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मार्केट में आते वक्त भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं पर रैली चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कोई अब तीर्थ यात्रा भी खुल गई है, तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी जा रहे हैं, कोई बाइकों से जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है अभी। तो अब मैं ये सब्जियाँ थोड़ी देर में खाली करूँगी, अभी इनको ऐसी रख देती हूँ, पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलती हूँ कल कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो चैनल पर जो मेरे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और हम भी उम्मीद लगा के बैठते हैं और डेली देखते हैं कि आज इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कल इतने हो गए हैं, तो एक उम्मीद होती है हर यूट्यूबर को, मतलब एक खुशी होती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो जब वो घटते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है, ऐसा मत कीजिए आप लोग, और बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो क्या पता हो सकती है आपको पसंद आए, और अनलाइक भी मत कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, और जैसे आपकी मर्जी, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, बाय बाय।